सरायकेला खरसावा जिला के सरायकेला थाना अंतर्गत गैरेज चौक स्थित डे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में 40 लाख मूल्य की चोरी घटना में पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने दुकान से चुराए गए 10 लाख मूल्य के मोबाइल फोन, 2 लाख नकद के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले के संबंध में सरायकेला SDPO संतोष कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बीते 9 मार्च की रात सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत गैरेज चौक स्थित डे इलेक्ट्रॉनिक्स में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद शोरूम के मालिक के निरंजन डे द्वारा सरायकेला थाना में मामला दर्ज कराया गया था और पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ करते हुए मामले में शामिल 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चुराए गए कुल 18 एंड्रॉयड फोन और 1 आईफोन भी बरामद किया है। दिनांक 9-10 मार्च 2024 की रात्रि में जब सरायकेला शहर में डे इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, इस आशय की सूचना थाना को मिलते ही कांड दर्ज किया गया 461-379 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत, और तुरंत ही अनुसंधान शुरू किया गया। एक टीम जो इंस्पेक्टर सरायकेला के निर्देशन में थी, उसने जगह जगह पर छापामारी की, लगातार तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों को जुटाकर इस कांड में संलिप्त 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। पूर्व में एक अपराधी को जेल भेजा गया है 22 मार्च को, और आज 2 अपराधी जिनका नाम शाहबाज जावेद और साहेब खान है को न्यायिक अभिरक्षा